दिल्ली के शंकर विहार इलाके में तेज रफ्तार बुलेट ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसके बाद बुलेट में जबरदस्त आग लग गई। आग में झुलसने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद NH8 पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले पर लोकल सर्कल्स के सर्वे को 58% लोगों ने सफल बताया, जबकि 87% लोगों ने कहा कि यातायात में हुई काफी परेशानी। वहीं 42% लोगों ने कहा कि अगर ये फॉर्मूला आगे लागू हुआ तो वो नई कार खरीद लेंगे। मुंबई में सेल्फी की वजह से हादसों के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई है और 10 जगहों को चिन्हित कर नो सेल्फी जोन बनाया गया है, लेकिन सख्ती के बावजूद कैमरे में कानून तोड़ने वाले कई लोग कैद हो गए। मुंबई में चाइनीज खिलौनों के बीच चाइनीज बाइक की तस्करी का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि खिलौने के कार्टून में भरकर चीन से बाइक के पार्ट्स मंगाए जाते थे और टोंगरी के गैराज में इनका असेंबल होता था। ठाणे के कल्याण इलाके में एक भिखारी के घर से रुपयों से भरे 3 बोरी बरामद किए गए, लेकिन आग की चपेट में आकर ढेरों रुपए जल गए। भिखारी के घर इतने रुपए मिलने से पड़ोसी हैरान है। वहीं भिखारी ने पैसों के लिए पड़ोसियों पर आगजनी का आरोप लगाया है।